एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने मुझे कंटिन्यू सपोर्ट दिया। एंड आप जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट नहीं कर पा रही थी। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फिर भी वेट किया एंड सपोर्ट अपना देते रहे। सो आज मैं आपको अपनी सेकेंड ईयर की फाइल शो कर रही हूँ। इसका एक एक असाइनमेंट की मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपको इन डिटेल बता सकूँ सब चीज़। बट अभी ओवरव्यू है इस वीडियो में, सो आपको आइडिया लग जाएगा कि फाइल कैसे बनानी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारा फ्रंट पेज है जो हमें कवर के ऊपर पेस्ट करना था, ओके। जिसमें हमें सब्जेक्ट का नाम लिखना था, कॉलेज का नाम लिखना था, ईयर लिखना था, टीचर नेम एंड अपना नाम लिखना था। सो फाइल देखते हैं। सो मेरा फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने इंडेक्स लगाया है क्यूट से कलर पे, पिंक पेज पे मैंने इस इंडेक्स बनाया है जिसमें मैंने पूरा टॉपिक के नाम लिखे हैं, जो जो है उसके पेज नंबर, रिमार्क, सीरियल नंबर लिखा है। सो फर्स्ट मैंने बनाया था इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी पे, ECT पे के नोट्स जो होते हैं वो हमें लिखना था, कोई भी एक थेरेपी लिखनी थी, ओके। सो नेक्स्ट उसके बाद हमें दो ड्रग थेरेपी लिखनी थी, एक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन लिखना था, दो केस प्रेजेंटेशन बनाने थे एंड दो प्रोसेस रिकॉर्डिंग बनाने थे, ओके। देन मैंने सेकंड पेज पे एक्नॉलेजमेंट लिखा है, सो फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा, ये ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी, जैसे आपके टीचर्स बोले। देन मैंने यहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट होती है, तो मैंने सब फाइल में जितने भी अपने असाइनमेंट्स बनाए उन सबके सामने एक फ्रंट पेज बनाया, जिससे फर्स्ट ECT है तो उसका ये फ्रंट पेज है जिसमें मैंने हेडिंग लिखी है एंड सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिखा है। देन मैंने यहाँ से हमारा ECT को एक्सप्लेन करना, उसका इंट्रोडक्शन देना, ओके। सो इस तरीके से पूरा ECT को एक्सप्लेन किया है जैसे जैसे मेरी टीचर ने बताया था। आप लोगों को भी जैसे जैसे आपकी टीचर बोलते हैं आप वैसे वैसे अपना बना सकते हैं और मेरी फाइल से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना होता है, ओके। सो ये हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फ़ाइल है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। वैसे तो ये GNM की है बट BSc की भी ऐसे ही बनती है। सो हमें कोई भी एक थेरेपी लिखनी थी तो मैंने बिहेवियर थेरेपी लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फर्स्ट पेज मैंने बनाया बिहेवियर थेरेपी की हेडिंग और सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिख के। सब पेजेस के ऊपर आपको बाउंड्री करके ही बनाना है तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है एंड उसको थोड़े कलरफुल हेडिंग्स दिए हैं मैंने हर जगह। आपको फाइल कैसी लगी मेरी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको सब फाइल का ओवरव्यू ऐसे एक वीडियो बना के दूँगी एंड देन सब फाइल के जो असाइनमेंट होंगे उन सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। देन मेरा स्टार्ट यहाँ से होता है ड्रग स्टडी हमें दो बनानी थी, तो पहले मैंने ड्रग स्टडी ही लिखा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से हमारी दोनों ड्रग स्टडी स्टार्ट होती है, सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिख के। देन मैंने यहाँ ड्रग का नाम लिखा है एंड सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिख के, ये हमारा फर्स्ट ड्रग है। देन उसका इंट्रोडक्शन, ट्रेड नेम, क्लासिफिकेशन, डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस तरीके से आपको बनाना है। सो मैं आपको अपनी दूसरी ड्रग स्टडी का सिर्फ नाम शो कर दूंगी, बाकी मैंने सेम बनाई है। ये हमारी दूसरी ड्रग स्टडी है जिसका सिर्फ मैंने नाम एंड यहाँ पर सबमिटेड बाय लिखा है, बाकी सब चीज़ इसमें सेम है जैसे फर्स्ट वाले को बनाया है फॉर्मेट में। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मिनी मेंटल स्टेट, इसमें सबमिटेड टू सबमिटेड बाय ये हमें एक बनाना था, सो इसको इस तरीके से बनाया है मैंने, पूरा टेबल में रिप्रेजेंट किया है मैंने इसमें, जिसमें पॉइंट्स दिए हैं पेशेंट को। इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगी आने वाली वीडियोस में किस तरीके से इसको पॉइंट में पॉइंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हमें दो केस प्रेजेंटेशन बनाना था,
ये फर्स्ट पेज है जिस पे केस प्रेजेंटेशन लिखा है मैंने एंड सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिखा है। फर्स्ट मैंने बनाया ऑटिज्म पे एंड सेकंड मैंने बनाया मेनिया पे। सो ये उसका फर्स्ट पेज है। सो यहाँ पे पहले मैंने अपने बारे में लिखा है, देन पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा, देन चीफ कंप्लेंट्स हिस्ट्री लिखी है पेशेंट की, देन पेशेंट की साइकेट्रिक हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री को हमने लिया है, पेशेंट के वाइटल साइन एंड मेडिकेशंस, देन मैंने ऑटिज्म के बारे में बताया है उसके कॉजेस, देन मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताया। होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से फाइल बनाते हैं, कि पेशेंट की सारी पर्सनल हिस्ट्री हमने ली है, देन उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑटिज्म में क्या क्या होती है, देन उसके बाद हमारे आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स, देन आता है हमारा NCP। मैंने दो एक्सप्लेन करे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को, देन उसके बाद आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। सेकंड मैंने मेनिया बनाया है सेम फॉर्मेट के साथ। ये इसका फर्स्ट पेज है सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिखकर। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बनाने थे दो प्रोसेस रिकॉर्डिंग जिसका ये फर्स्ट पेज है सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिख के। फर्स्ट मैंने बनाया डिप्रेशन पे एंड सेकंड मैंने बनाया है बाइपोलर डिसऑर्डर पे। ये फर्स्ट पेज है सबमिटेड टू सबमिटेड बाय करके। नेक्स्ट इसमें मैंने फर्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा है पेशेंट का, ब्रीफ समरी ऑफ द पेशेंट लिखा है, प्लेस ऑफ इंटरेक्शन। प्रोसेस रिकॉर्डिंग बनाने के लिए भी उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जैसे हमारे केस स्टडी एंड बाकी सब चीज़ का होता है। पेशेंट्स के साथ क्या बातचीत हुई है हमारी, कंक्लूजन एंड लिस्ट ऑफ इसी तरीके से मैंने अपने दोनों प्रोसेस रिकॉर्डिंग बनाए हैं। ये मेरा सेकंड बाइपोलर डिसऑर्डर का फ्रंट पेज है, सेम प्रोसेस रिकॉर्डिंग का सेम होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।